सो आज की वीडियो का हमारा जो टाइटल है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग करियर जो है वो 2024 के अंदर भी बेस्ट है या नहीं, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको गाइस कि डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत ही बेहतरीन करियर बन सकता है, लेकिन अगर वो कैसे बेहतरीन करियर बन सकता है, चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। तो पहला जो है, यस, डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड ऑप्शन 2024 एंड आगे भी चलता रहेगा, लेकिन डोंट सी डिजिटल मार्केटिंग एज मैजिक, यानी कि इसको एक जादू की तरह मत देखो। जादू कहने का मतलब है कि ये डिजिटल मार्केटिंग भी एक जैसे बाकी करियर्स होते हैं, बाकी डोमेन्स हैं, बिल्कुल वैसे ही एक नॉर्मल करियर ऑप्शन है, एक डोमेन है जिसमें वैसे ही मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही टाइम देना पड़ता है, तब जाकर आप इसमें भी सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोग बोल रहे हैं यार लाखों रुपए कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ओवरनाइट यहां पे कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं यहां पे अपने एक्सपीरियंस के साथ में इसलिए बता सकता हूं बिकॉज मैं एक आईटी डोमेन, कोर आईटी टेक्निकल डोमेन के अंदर भी हूं, और यहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग दोनों, दो अलग अलग डोमेन्स के अंदर मैं काम कर रहा हूं, तो यहां पर दोनों के अंदर मुझे इक्वली मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर जो है ये मेरी फील्ड्स आगे बढ़ रही हैं। सेकेंड, अगर बात करें तो यू नीड टू गिव टाइम, डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, इट डज नॉट मीन दैट कि अब आप लाखों करोड़ों रुपए जो है आप कमा लेंगे, नो, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज एक लाइन कही जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करके ही आप एक परफेक्ट जो है किसी भी फील्ड के अंदर बन सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको एक अच्छा करियर रूप लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देन थर्ड की अगर बात करें तो डोंट स्विच इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एनी अदर फील्ड। बहुत लोग जो है दूसरों से इंस्पायर हो जाते हैं, अपनी करंट जॉब को छोड़ देते हैं और करंट जॉब को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्विच हो जाते हैं, जहां पे उनको बिल्कुल वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास कई बार सवाल आते हैं, कॉल आती है कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, तो हमारे पास जो पहले दूसरी फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का है, तो क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा? द आंसर इज नो, वो आपका एक्सपीरियंस यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक डिफरेंट फील्ड से है, एक डिफरेंट डोमेन से है, और यहां पर आप वापस डिजिटल मार्केटिंग में एक जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किए जाओगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि अगर मैं फील्ड स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग में आता हूं तो मेरे लिए बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चौथी की बात करें यहां पे पॉइंट की, तो आपके पास में जो है तभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर में इसको आपको लेना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है और हॉबी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी हॉबी जो है वो कोर टेक्निकल के अंदर भी है प्लस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी है, तो मैंने इन दोनों को जो है अपना प्रोफेशन बना लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कुछ नहीं आता है या मुझे इसमें कोई मजा नहीं आता है काम करने में, मैं सिर्फ जो मेरा कोर टेक्निकल है उसी में मुझे इंटरेस्ट आता है, तो डेफिनेटली मेरा जो एक करियर है वो हो सकता है सिर्फ कोर टेक्निकल फील्ड। तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट और हॉबी दोनों होने चाहिए, अदरवाइज किसी दूसरे से इंस्पायर होकर अगर आप करोगे तो यहां पर आपके लिए चांसेस ये हो जाएंगे कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक जो है मैक्सिमम खींच पाओगे, उसके बाद में आप जो है इस फील्ड को छोड़ दोगे। अगर पांचवा यहां पर करें तो कंटिन्यू लर्निंग कहने का मतलब है आज जो आपने सीख लिया और उसके लिए आपने करियर के अंदर उसकी शुरुआत कर ली, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टाइम टू टाइम यहां पे जो एल्गोरिदम्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो चेंज होती रहती हैं, एनहेंस होती रहती हैं, तो आपके लिए भी ये बिल्कुल ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया अब वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में चलेगा। नो, यहां पर 2+2=4 नहीं कराया जा रहा है, यहां पर जो है हर टाइम पे कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपको भी समय के साथ में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए एल्गोरिदम्स हैं, उनको आपको कंटिन्यू स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसको जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर पाओगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर।
सिक्स्थ, अगर हम यहां पे बात करें तो डोंट आस्क एनीवन फॉर द करियर गाइडेंस हु डू नॉट हैव अ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एक्सपीरियंस। तो जनरली हम लोग जो है ऐसे लोगों से बात करते हैं अपने करियर के लिए कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहता हूं, तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। तो हम लोग किसी ऐसे बंदे से पूछते हैं जिसको खुद को डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आ रहा होता है। तो किसी भी ऐसे इंसान से बिल्कुल राय ना लें जो आप जिसको खुद का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे पर्सन से डिजिटल मार्केटिंग का आपने करियर गाइडेंस लेना है जो खुद डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है और उसको इन एंड आउट पता है, उसको चैलेंजेस पता है, उसको कैसे इसमें ग्रो किया जा सकता है, उसको सब कुछ पता है। तो वो आपको एक राइट डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकता है। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट मैं यहां पे एक इंक्लूड करना चाहूंगा। बहुत लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर बनाने के लिए आए और उसके बाद में जो है उन्होंने यहां पर फेल होने के बाद में ये डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दिया। अगर ऐसे इंसान के पास जाकर भी आप फीडबैक मांगोगे तो वो भी आपको, क्योंकि वो खुद सक्सेस नहीं हो पाया, तो आपको भी वो सक्सेस नहीं होने की राय देगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कभी मत जाना, कोई स्कोप नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई सैलरीज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है तो उसकी सिचुएशंस आपको नहीं पता, वो उसको पता है। माइट बी जो यहां पे मैंने चीजें आपको बताई कि पहले आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में उसके लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, देन उसके बाद में आपको उसको जो है एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कंटिन्यू लर्निंग होनी चाहिए। तो क्या उसने ये सारा डेडिकेटेड किया और एक राइट डायरेक्शन के अंदर वो बढ़ा, एक राइट पर्सन से उसने करियर गाइडेंस ली कि नहीं ली? ये कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं। फाइनली अगर हम बात करें यहां पे एक और पॉइंट की कि बहुत लोग बोल रहे हैं AI विल रिप्लेस द डिजिटल मार्केटिंग। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो को टेक्निकल वाले भी बोल रहे हैं। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो दो डोमेन्स के अंदर काम कर रहा हूं, तो यहां पर भी यही सुनने को मिल रहा है और यहां पर भी सेम चीज सुनने को मिल रही है। तो आंसर मेरा उनको भी वही होता है, को टेक्निकल वालों को, डिजिटल मार्केटिंग वालों को भी यही बोलूंगा। और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, AI जो है, वो बेसिकली कुछ हद तक जो है काम कर सकता है, लेकिन 100% जहां पर बात आती है वहां पे ये काम नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें, अगर आप लोगों ने ChatGPT वगैरह इस्तेमाल किया होगा, देखो आप क्वेश्चन कई बार कुछ और पूछते हो, आपको रिजल्ट कुछ और मिल जाते हैं, तो जो आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज आपकी जो लैंग्वेज आपने लिखी है वो AI नहीं समझ पा रहा है। अब AI जो है वो अपने हिसाब से, उसको जो डिजाइन किया गया एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग जवाब दे रहा है। लेकिन एक ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग जो है वो अपने ब्रेन से सामने वाला क्या पूछ रहा है और उसके भाव क्या है, तो वो बेसिकली यहां पे उसकी लैंग्वेज नहीं, उसके इंटेंशंस के साथ में कोरिलेट करके फिर उसको जो है यहां पे जवाब दिए जाते हैं। सो गाइस, अगर आप भी जो है डिजिटल मार्केटिंग के करियर बनाना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और कंसीडर करने के बाद डेफिनेटली मेरे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा, और आज नहीं आने वाले समय के अंदर भी आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग वैसा ही काम करेगा जैसा आज कर रहा है, माइट भी आने वाले समय में आपके लिए और बेहतरीन जो है ये काम कर सकता है। सो आई होप गाइस कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।